मुगेली चलते हैं, मुगेली से अजय साहू है। अजय जी सवाल सवाल करें। मेरे मंत्री जी से एक सवाल है कि मुंगेली जिला अस्पताल से लोगों का भरोसा उठ चुका है, जो कि वो जिला अस्पताल रिफर सेंटर से नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये मुंगेली जिला उनके प्रभार में आता है तो कब तक के ये जिला अस्पताल सुधर पाएगा, यहाँ के जो व्यवस्था है वो कब तक सुधर पाएगी? मैं तो चाहूंगा कि सुधरी भी रहे व्यवस्था। और जो आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुंगेली जिले का प्रभारी मंत्री के रूप में जवाबदारी मुझे दी है, हाल में दी है, और मैं आया भी था, अभी मुंगेली जिले में भी आया था, अधिकारियों की बैठक भी ली, जिला अस्पताल भी गया देखने के लिए, सीएमओ कार्यालय का लोकार्पण भी हुआ, और मुझे खुशी भी हुई, आश्चर्य भी हुआ कि 15 डॉक्टरों वाले अस्पताल में 18 डॉक्टर थे, और अच्छा सा भवन बना हुआ था। कलेक्टर साहब स्वयं एक डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर के रूप में वहाँ सेवाएं भी दे रही हैं जिला अस्पताल में। और यही बात मैंने उनको कही, मीटिंग में भी मैंने यही बात कही कि बिलासपुर में 4 महीने पहले जब हम लोगों ने मीटिंग ली थी तो ये बात आई कि मुंगेली का अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया है। अधिकतर सरकारी अस्पतालों की एक स्थिति या एक चर्चा में ये बात आ गई है कि नहीं तो रेफरल अस्पताल है, कोई मरीज आता है उनको आगे भेज दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती हम लोग के सामने है, मेरे सामने है कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पे लोगों का विश्वास स्थापित करना। और डॉक्टरों के अभाव में मुझे बताया गया था 4 महीने पहले कि 3 डॉक्टर मुंगेली के जिला अस्पताल में है, आज 15 के स्वीकृत स्ट्रेंथ के एवज में 18 डॉक्टर वहां पर पदस्थ हो गए हैं। अब ये स्थिति ना हो, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि दोबारा ऐसा ना हो कि ये रेफरल अस्पताल, जो इलाज वहां नहीं हो सकता है स्वाभाविक है, उसके लिए रायपुर या बिलासपुर मेडिकल कॉलेज जाना पड़ सकता हो, बाकी जो इलाज जिला अस्पताल में हो सकते हैं उन विशेषज्ञों के माध्यम से हो सकते हैं, वो जरूर वहीं होंगे। मुंगेली से ही राजेश हैं, राजेश अपना सवाल करें। नमस्कार, आपसे एक मुंगेली के क्षेत्रवासियों की तरफ से एक निवेदन है। मुंगेली जिले में जिले बने 7 साल हो गए, सिटी बस की मांग बहुत पहले से की जा रही है, आज तक इसमें कोई प्रकार की पहल नहीं की गई है। अब आप मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री हो, आज क्षेत्र की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, तो आपके प्रभारी मंत्री रहते हुए सिटी बस की यहाँ चालू किया जा सकता है क्या? अभी तक सिटी बस नगर निगमों को उपलब्ध कराए गए थे, यदि नगर पालिकाओं तक या जिला मुख्यालयों तक इसकी व्यवस्था हो सकती है तो मैं जरूर पहल करूंगा। मुंगेली से देवराज साहू है, देवराज जी सवाल सवाल करें। आप मुंगेली जिले के प्रभारी है, एसएनजी महाविद्यालय मुंगेली सबसे बड़े विद्यालय है, यह आज तक पूर्ण रूप से शासकीय नहीं हो पाया है, क्या यह आपके शासन काल में यह पूर्ण रूप से शासकीय हो जाएगा? निजी संस्थाओं को सामान्य रूप से शासन की नीति नहीं रहती है कि उसको ले लिया जाए, लेकिन कैसे सपोर्ट किया जा सकता है और वहाँ व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है, इसके लिए पहल जरूर करेंगे। चलिए अग्निहोत्री जी, श्रीवास्तव जी, आप लोगों कोई सवाल हो, फिर हमारे पास 2 जिले और हैं, 5-6 सवाल मुंगेली से और थे, मैं नहीं ले रहा हूँ।